मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने भोपाल में 30 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने और आगामी रणनीति को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए गए। यूथ कांग्रेस की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने बताया कि कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर जाकर नर्सिंग घोटाले के पीड़ित युवाओं का डाटा इकट्ठा किया है। इस डाटा को लेकर 30 अगस्त को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री से जवाब मांगेंगे। मितेंद्र सिंह ने कहा कि नर्सिंग घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है और इस घोटाले में मंत्री विश्वास सारंग और अधिकारियों को जब तक सजा नहीं होती तब तक हम सड़कों पर आंदोलन करके इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आज की जो हमारी बैठक है, इस बैठक के अंदर जो हमने क्या हुआ तेरा वादा, जो हमने एक महीने का लोगों को कार दिया था डोर टू डोर, जैसे कि मैंने कहा था कि संकल्प पत्र में भाजपा ने कहा था कि 2.5 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे, 1 करोड़ महिलाओं को घर देंगे, किसानों को MSP दर पर अनाज देंगे और नर्सिंग घोटाला, जो जो लड़के पीड़ित थे हमने उनका डेटा भी निकाला है कि कौन कौन घर परिवार पीड़ित रहे हैं। तो इन मुद्दों को लेके सभी जगह से, हर जिले से, कहीं से 25,000 पोस्ट कार्ड, कहीं से 10,000 पोस्ट कार्ड, कहीं से 45,000 पोस्ट कार्ड भी हमारे जिलाओं ने हमें दिए हैं। इन सभी का बक्सा बनाकर 30 तारीख को हम लोग CM हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।